Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture ex-ship contracts, meaning and difference between FOB contract and ex-ship contract, and difference between CIF contract and ex-ship contract. Ex-ship contract, sale of goods का एक ऐसा contract होता है in which the seller has to deliver the goods to the buyer at the port of destination. इसमें seller को माल जो buyer को भेजना होता है उसके पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक भेजना होता है. बात क्लियर हुई कि एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट में बायर के पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक जो है सेलर को माल डिलीवर करना होता है. फ्रेट चार्जेज भी जो है सेलर ही बियर करता है, किराया वराया लोड है वो भी बियर करेगा. During the sea route, the goods are at the risk of the seller. Ownership seller में ही रहती है, तो जब तक transit में रहता है माल sea route में तब तक जो है seller bear करेगा, नुकसान होता है. To protect his own interest, the seller may insure or not. So if he wishes, at his own expenses. इसमें जो है seller जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए माल को इंश्योर करा सकता है और उसकी इच्छा नहीं भी करा सकता है, उसे अपना इंटरेस्ट देखना होता है. कहने का मतलब है एक्सशिप कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल ऑफ गुड्स का जिसमें सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. सेलर को बायर के पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक माल डिलीवर करना होता है और फ्रेट चार्जेस बियर किए जाते हैं सेलर द्वारा. इंश्योरेंस कराना न कराना डिपेंड करेगा सेलर्स पर, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ सी रूट रिस्क जो है ओनरशिप एग्जिस्ट इन सेलर. ओनरशिप जो है सेलर में होती है, बायर में नहीं होती. तो यहां पर जो है सेलर की कुछ ड्यूटी होंगी एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में, टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. बायर को बायर के पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक माल डिलीवर करने की ड्यूटी. फिजिकली अवेलेबल पोर्ट ऑफ आप जो है डेस्टिनेशन तक, जिससे कि जो है बाहर वहां से डिलीवरी ले सके. टू पे द फ्रेट चार्जेज, फ्रेट चार्जेज जो है सेलर को ही बियर करना होगा. और हैंड ओवर द प्रॉपर डिलीवरी ऑर्डर टू द बायर टू इनेबल हिम टू ऑब्टेन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द शिप ओनर. डिलीवरी ऑर्डर बायर को अवेलेबल करना जिससे कि वो शिप ओनर से जो है माल जो है ले सके. तो तीन ड्यूटी उसकी होंगी सेलर की एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में, बायर के पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक माल जो है भिजवाना, डिलीवर कराना, फ्रेट चार्जेस बियर करना, और तीसरी ड्यूटी हैंड ओवर द प्रॉपर डिलीवरी ऑर्डर टू द बायर, जिससे कि जो है बायर अपना माल वहाँ शिप ओनर से ले सके. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि When transfer of ownership in ex-ship contract, in ex-ship contracts, the ownership of the goods is transferred to the buyer only when the goods are actually delivered to the port of destination to enable him to the buyer to take delivery. एक्चुअली में पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन में बायर को माल देने के लिए जब पहुंच जाता है तब बायर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी. इस दौरान जो है
ओनरशिप सेलर में ही रहती है। इंश्योरेंस की बात आई कि कराना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। सेलर के रिस्क जो है, चूंकि ओनरशिप सेलर में होती है ड्यूरिंग सी ट्रांजिट, इसलिए जो है सेलर चाहे कराए चाहे ना कराए उसकी इच्छा है। एंड थर्ड है द कंट्रैक्ट वेदर CIF आर एक्सेप्ट। खाली लिखने मात्र से जो है ये एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट है या CIF कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड यूज करने से मात्र। इट डिपेंड्स अपॉन द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अपॉन द इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिफर्ड एज CIF कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी सो बाय द अदर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द गुड्स आर एक्चुअली टू बी डिलीवर्ड एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। एक केस है, इंग्लिश केस है 1949 का, काम ट्वायर डी अचत वर्सेस लुइस डी राइडर लिमिटेडा। क्या हुआ इस केस में, दो व्यक्तियों ने राई जो है बेचने का, एक ए ने जो है बी से राई परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट में CIF कॉन्ट्रैक्ट बताया गया था। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि माल जो है पोर्ट एंटी रेप पोर्ट तक पहुंचाना होगा, सेलर को भेजना होगा और पेमेंट जो है तब करेगा जब डिलीवरी ऑर्डर के प्रेजेंट किए जाने पर जो पेमेंट करेगा। ए ने माल जो है भेज दिया और डिलीवरी ऑर्डर भी बी को भेज दिया। जब डिलीवरी ऑर्डर मिला तो बी ने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन जो है जो शिप जो है राय लेके आ रहा था, माल लेके आ रहा था, वो डूब गया। अब बी ने मुकदमा किया एक अगेंस्ट, बताइए। इट वॉज हेल्ड दैट बी वॉज इंटाइटल्ड टू रिफंड द प्राइस। जो पेमेंट कर दिया था उसने वापस प्राप्त करने का अधिकार था। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है CIF नहीं था, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो गई थी। इसमें जो वर्ड यूज किया गया था, वर्ड यूज किया गया था पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर डिलीवर करना था। तो इसेंस क्या था, सेलर को बायर को जो है माल को पोर्ट ऑफ जो है डेस्टिनेशन पर डिलीवर करना था, इसलिए जो है एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट था न कि जो CIF कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट में यदि वो ओनरशिप जो है सेलर में रहती है सी रूट में सी ट्रांजिट में, तो इसलिए जो है ओनरशिप बायर में ट्रांसफर नहीं हुई थी, इसलिए रिस्क प्राइमा फेसी पास है ओनरशिप के आधार पर जो है सेलर को लायबल ठहराया गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, FOB और एक्सेप कॉन्ट्रैक्ट में, EXSHIP रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। FOB कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप जैसे ही माल लोड हो गया शिप पर बायर के नाम से, ओनरशिप बायर में ट्रांसफर हो गई। एक्सेप कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ओनरशिप लोड करने से नहीं होगी ट्रांसफर, जब पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर बायर को माल मिल जाएगा एक्चुअल में, तब जो है ओनरशिप ट्रांसफर होगी। उसके पहले तक सी रूट में सी ट्रांजेक्शन जो है ट्रांजिट में सेलर में ही व्यस्त रहेगी ओनरशिप। एंड थर्ड है इन FOB कॉन्ट्रैक्ट सेलर्स ड्यूटी इज टू लोड द गुड्स इन ए शिप नेम्ड बाय द बायर। FOB कॉन्ट्रैक्ट में ये सेलर की ड्यूटी होती है कि जो नाम जिस शिप में बताया है बायर उसमें वो लोड करा दे। इन एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज इन एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट द सेलर्स ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन टू इनेबल द बायर टू टेक देयर डिलीवरी। पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक भेजने की ड्यूटी होती है और FOB कॉन्ट्रैक्ट में खाली लोड कराने की ड्यूटी होती है बस, इसके बाद उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।